हेलो एवरीवन, दिस इज एमिल खालखा, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से ये वीडियो बनाऊंगा, सोच रहा था कि लीगल में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बना नहीं पा रहा। तो आज लाइव आने के बाद मैंने सोचा कि बना देता हूँ। सोनाली, जिसका अभी एग्जाम ख़त्म हो गया, सी टोल्ड मी कि क्या क्या क्वेश्चन बना था, क्या क्या इस बार 2023 में जो BLLB का एंट्रेंस दी थी, उसका सारा पेपर हो गया। GK, GS, मैथ, लीगल, सब कुछ पेपर हो गया। आज लीगल का पेपर था। आज डेट क्या है? आज डेट है, हाँ, 26 तारीख है। तो आज 26 मई को इनका हो गया लीगल का। तो बताएगी क्या क्या पेपर में बना था। तो IPC पूछे हैं उन लोगों को, IPC के कुछ सेक्शन पूछे हैं, क्रिमिनल, मर्डर, ये सारी चीज़ों से पूछे हैं। उसके बाद टॉट पूछे हैं। टॉट में मैगजीम, ज़्यादातर जो लीगल मैगजीम हैं, टॉट में बहुत सारे एक छोटे मोटे वर्ड हैं जो मॉक टेस्ट से सॉल्व हो सकता है। तुम लोग अगर मॉक टेस्ट दिए हो तो तुमको पता होगा कि टॉट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नेगलिजेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। तो तीन बड़े बड़े सब्जेक्ट हो गए हैं, IPC, टॉट, मैगजीम एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैगजीन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे, यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ तुमको, बहुत सारे लीगल ये मैगजीन है, ये सारे NTA के दिए, CUET के दिए हुए हैं। तो तुम लोग हर एक लीगल मैगजीन को पढ़ो और देखो इसके ये जो लीगल मैगजीन दे, इसके ट्रांसलेशन समझ लेना कि इसके ट्रांसलेशन क्या क्या हिंदी में, इसके मीनिंग्स को समझ लेना कि मीनिंग में क्या क्या इसके मीनिंग्स होते हैं। इंग्लिश के मीनिंग्स बनते हैं, इसके इंग्लिश के मीनिंग्स बनते हैं, तो इसके इंग्लिश के मीनिंग्स को समझ लेना, कि क्योंकि जब वो लोग लीगल मैगजीन दे रहे हैं तुमको, तो उसके नीचे एक ऑप्शन दे देंगे इसका क्या, जैसे कि एक्टस नॉन फैक्टोरियम रिसिमेंसिट्रिया है, एमेका स्क्वेरी है, फिर और बहुत सारे जो लीगल मैगजीन है उसके तुमको इंग्लिश के मीनिंग, नीचे मीनिंग दिए रहेंगे इंग्लिश में, तुमको उसको समझना और क्लिक करना है। फिर कुछ पैसेज भी दिए हैं लीगल से रिलेटेड, जैसे कि मैंने तुमको बताया कॉन्ट्रैक्ट और टॉट, ये सारे पैसेजेस रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे सब्जेक्ट से। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पैसेज के रूप में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुम वहाँ से पढ़ लेना। एंड ऑल्सो जुडिशियरी से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम हुए हैं, जुडिशियरी में जज, CGA कौन है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, उसके अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं, इसे रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट Part 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना। एंड सिंपल लीगल टर्म्स जो होते हैं, आप तुम लोग पूछोगे कि इसको तैयारी कहाँ से करना है, सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। पहले तो CUET के 2022 के जो क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, वहाँ सारे लीगल जहाँ से एक सेग्रीगेट कर लो कि लीगल से क्या क्वेश्चन, अच्छा IPC यहाँ से पूछे, टॉट्स यहाँ से पूछे, और उसको रिमेम्बर कर लो, मैं तो मेमोराइज कर लो। उसके साथ बगल में 2010 से लेके 2020 तक, 2021 तक, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं BHU वेबसाइट में तुमको मिल जाएंगे। मैंने दिखाया भी कि कैसे तुमको सर्च करना है, BHU वेबसाइट में जाओ, वहाँ तुमको सारे ओल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे लीगल के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, चाहे वो अपॉइंटमेंट से हो, मतलब जुडिशरी से, चाहे फंडामेंटल राइट से हो, फंडामेंटल ड्यूटी से हो, प्रीएम्बल से हो, IPC, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, यहाँ जितने भी, सॉरी CRPC में नहीं पूछते हैं, मैं गलत फ्लो में चला गया था, तो IPC से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबको नोट करके एक बार रिविजन कर लो, बहुत काम आने वाले, मतलब तुम्हारे 60-70% तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अदर जो तुम उसके जो फ्लो में, थ्रू में पढ़ने जाओगे ना, तो तुम्हें अदर बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे उससे रिलेटेड, तो तुम्हारे 100% कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। साथ में जो यूनिवर्सल का जो बुक है, मैंने बार बार बोल रहा था कि हाँ MCQ लगाओ, ये सारे चीज़ें तुम्हें तुम्हारे लीगल को क्लियर करने में काम आएगा। अभी तुम लोग एक बड़े बड़े बुक के थ्रू नहीं जा सकते, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते हो, पर स्मार्ट वर्क करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर जाओ, उसको सारी चीज़ें लिखो, उसको याद करो, और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करो और उसके बारे में पता करो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड कठिन नहीं है, मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से, आज लाइव में भी पूछा, इंस्टाग्राम में जो जुड़े उनसे भी पूछा कि क्वेश्चन कैसा है, तो उनका कहना है कि क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, मतलब ना टफ है ना इजी है, मॉडरेट है, कोई भी अच्छा से क्लियर कर सकता है।
सो बस यही छोटा सा वीडियो था तुम लोग के लिए, और भी बताना भी मैं सोचा था लीगल के ही बना दूँ। और तुम लोग बार बार पूछ रहे हो कटअप कैसे आएगा, कटअप कैसे आएगा, तो वेट कर लो कि अभी पेपर्स हो रहे हैं तो मुझे जानना है ना कि पेपर कैसे बन रहा है, कठिन है या इजी है, मॉडरेट है, उसके हिसाब से मैं कटअप बता सकता हूँ। ऐसे मतलब सुबह उठा सपना में और बता दे रहा हूँ कटअप क्या हो, थोड़ी ना होता है ना। आई हैव टू सी क्वेश्चन। तो बस यही था, करो मेहनत और मुझे विश्वास है तुम लोग कर पाओगे, तो डरना मत, तैयारी अच्छा से रहेगा तो सब कुछ आसान होगा। इसी के साथ करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरत हो तो बस कमेंट करना, एंड लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।